आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। आज आपके लिए देखिए, ये मोगरा का फूल लेके आए हैं, जिसे जैस्मिन भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे तो बेली भी कहते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा ना, ये बिल्कुल एकदम असली है। तो मैंने इसमें ये पत्ते लगा दिए हैं, मैंने पेड़ से तोड़ के लाए हैं इसे, और ये कामनी कंचन के पत्ते हैं, तो मैंने उसी में इसे लगा दिया। तो कितना प्यारा लग रहा है देखिए। तो चलिए, इसी का वीडियो आज मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेन लेंगे, 35 चेन लेना है हमें। ये 2-ply ऊन है, क्रोशिया नंबर 9 है। इसे आप पतले ऊन से ही बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोटे ऊन से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम 35 चेन बना लेते हैं पहले। चेन ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, देखिए इसकी मोटाई जहाँ है इस तरह से रखेंगे। एक, दो, तीन, इसी तरह से मैं 35 चेन बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 चेन बना लिए, यानी 30। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे इस तरह से और यहाँ से 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्रोस पे धागा लेंगे और जहाँ 30 नंबर का हमारा ये चेन है, यहाँ पे इस तरह से हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे इसे हम। अब हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से चेन पे लेंगे और यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से करते हुए पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से डबल क्रोशिया पूरा चेन में बनाना है हमें। तो देखिए, ये डबल क्रोशिया हमारा पूरा कम्प्लीट हो गया। अब लास्ट में हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। इधर पलट जाएंगे और पलटने के बाद देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो सबसे फर्स्ट चेन है इसमें डालेंगे हम इस तरह से, और दो फंदे घटा देंगे और ये एक फंदा इसी पर रहने देंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, इसी चेन में डालेंगे और तो देखिए 3 हो गए, 2 हो गए, इसको भी काउंट करेंगे तो 3। फिर इसी तरह से इसी चेन में डालेंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे लेकिन पूरी तरह से फंदे को नहीं घटाएंगे, एक बचा लेंगे इसमें। ये 4 हो गए। ये 5, एक और करना है हमें। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सभी को एक साथ घटाना है हमें। तो देखिए सभी फंदे को हमने एक साथ घटा दिया है। अब इसे इस तरह से बांध लेंगे और यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3, और इसी चेन में हम इसे जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच करके। इस तरह से डालेंगे चेन में, हाँ इस चेन से निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। क्रोस पे धागा लेंगे और इसके अगले चेन में देखिए ये जो चेन है इसमें डालेंगे हम इस तरह से डबल क्रोशिया। यहाँ पे बनाना है सेम उसी तरह से, दो फंदे को घटा देंगे तो एक चेन बनाया था हमने और एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से 6 बार करेंगे हम। देखिए 3 हो गए, 4, तो टोटल हमें 6 यहाँ भी बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से इसे बंद करेंगे, यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे हम और पहले चेन से निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, उसके बाद ये अगले वाली जो है इसमें बनाएंगे सेम इसी तरह से। इसी तरह से करते हुए मैं 12 चेन में इस तरह से हमें बनाना है, एक पंखुड़ी बनाना है। तो 12 पंखुड़ी बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर उस 12 में अलग बनेगी और फिर 4 में अलग, यानी टोटल 30 बनना है हमें। 26 बनेंगे। तो देखिए इसी तरह से करेंगे हम, 2 पंखुड़ी बनाया, इसी तरह से और आपको 10 बनाने हैं हर एक चेन में। तो इस तरह से बनाते हुए मैं अब आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसमें 12 पंखुड़ी बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बनाना है आपको, यानी 12। देखिए अब अगले में 12 बनेगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा, यहाँ से हम 3 चेन लेंगे,
ये बहुत आसान है बनाना। दो और ये तीन चेन ले लेंगे। तीन चेन लेने के बाद अब अगली चेन में डालेंगे, इस चेन में डालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से दो हो गए, फिर इसी चेन में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये तीन हो गए। देखिए फिर इसी चेन में एक बार और डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन पूरी तरह से डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, एक चेन हम क्रोस पे ही छोड़ देंगे। देखिए चार हो गए, चारों को एक साथ घटा देना है। इसमें हमने छः बनाया था, लेकिन इसमें हम चार बनाएंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ से तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन लिए, सेम इसी जगह पे डाल के हम इसे बांध देंगे। सिल्क स्टिच से बांधना है हमें इसे। इसी तरह से करते हुए अगले 12 पंखुड़ी हमें इसी तरह से बनाना है, जैसे मैंने पहला पंखुड़ी बनाया अभी, उसी तरह से आपको अगले 12 चेन में, 11 चेन में सेम इसी तरह से बना। तो देखिए हमने यहाँ भी 12 पंखुड़ी बना लिए, यहाँ हमने निशान लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए इसे नहीं काउंट करेंगे। ये इधर से हमने जो 12 बनाए थे पंखुड़ी वो है, अब इधर से देखिए 12 बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 इधर भी करना है, 12 इधर भी, ये पंखुड़ी भी 12 बनाना है, ये भी 12 बनाना है। अब अगले देखिए, अगले में कैसे करना है हमें। अब क्रूस पे देखिए धागा लेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में पहले से हैं तो दिल से धन्यवाद, लेकिन प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, इतनी मेहनत करती हूँ आप सबके लिए तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। क्रूस पे दो बार धागा, यहाँ तीन चेन लेंगे पहले, सॉरी चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार। इधर हमने जितने भी लिए हैं सभी में मैंने तीन चेन लिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम चार चेन लेंगे। अब क्रूस पे दो बार धागा लेंगे, एक और ये दो। देखिए ये अगला चेन जो है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, एक दो, फिर इस तरह से एक फंदे इसी में छोड़ देंगे, फिर इसी तरह से क्रूस पे धागा लेंगे और इसी चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें, ये एक और ये दो, ये हो गए तीन। फिर अगले चेन में डालेंगे हम, देखिए इस चेन में हमने दो बनाया, इस चेन में दो बनाया, अगले चेन में दो बनाएंगे। तो देखिए अगले चेन में हम यहाँ पे दो बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, क्रूस पे धागा लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इस चेन में और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर दो फंदे घटाएंगे दो, तो देखिए चार हो गए यहाँ पे। फिर इसी चेन में एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, तो ये पांच हो गए। फिर इस तरह से लेंगे, देखिए इसमें दो बनाए, फिर इसमें दो बनाए, अब अगले चेन में दो बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये दो फंदे घटाएं, फिर दो फंदे, देखिए टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ, छह हो गए। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, इसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया फिर एक बार और बनाएंगे, यानी टोटल चेन मिला के हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया हो जाना चाहिए, एक और ये दो। देखिए चेन पे देखिए कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सभी को एक साथ घटा देंगे इस तरह से, यहाँ पे बांध देंगे। यहाँ से चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार, और यहाँ पे आके बांध लेना है हमें, देखिए इस चेन में आके इसे बांधेंगे हम, सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम। यहाँ से चार चेन लेंगे, एक दो तीन और ये चार, देखिए इस चेन में डालेंगे हम और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया एक चेन में, एक दो, फिर इस तरह से लेंगे, फिर सॉरी दो बार धागा लेना है, सेम इसी चेन में हम डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, हो गए तीन। फिर क्रूस पे धागा लेंगे, अगले वाले चेन में डालेंगे हम, इसमें डालेंगे और यहाँ भी हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो बार धागा लेना है, एक और ये दो, देखिए टोटल चार हो गए। फिर क्रूस पे धागा लेंगे, इसी में बनाना है हमें, एक बार हमने लिया ये दो, टोटल हो गए एक दो तीन चार पाँच। फिर अगले चेन में डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे भी हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो
देखिए टोटल सात हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः और सॉरी एक और बनेगा, इसी चेन में डालेंगे, ये सात हो गए देखिए। अब सातों फंदों को एक साथ हम इस तरह से बंद कर देंगे और यहाँ पे एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे और इसी में आके यहाँ पे जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम धागा कट कर देंगे। तो देखिए पूरा पंखुड़ी रेडी हो गया। अब इसे मोड़ने का तरीका ऐसा है, देखिए इस तरह से मोड़ेंगे। लेकिन मोड़ने का तरीका यह है, आप इसमें कोई वायर ले लें उसमें इस तरह से मोड़ेंगे। जैसे मैं क्रूस पे आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से लेंगे और इस पर सिलना नहीं है आपको, इसमें गोंद लगाना है, इस तरह से लेंगे, इस तरह से करते हुए आपको मोड़ना है पूरा। इस तरह से करके हम पूरा इसे मोड़ लेंगे, देखिए क्रूस पे इस तरह से पूरा लपेटना है। उसके बाद आप यहाँ से जिस भी वायर पे आप इसे लगा रही हैं यहाँ से फिर ग्रीन कलर का धागा लेके इसे लपेटना है पूरी में, पूरे नीचे तरफ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए बनाइए, फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।